ओम शांति। मेरे शरीर का नाम गुरप्रीत कौर है और मैं एक शिक्षक हूँ। पिछले कुछ वर्षों से, पहले मैंने कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की है, अब मैं एक स्कूल में शिक्षिका हूँ। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ। वैसे तो हम जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तो अपने पेरेंट्स के साथ हम जाते थे वहाँ पे, लेकिन जो डिवाइन नॉलेज है उसकी समझ मुझे जब मैं 11th क्लास में थी तब आई। तब आकर के पता लगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ पर्पस। तो ये बात मुझे टच कर गई, बट मुझे ये नहीं पता था कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मैंने आना शुरू किया तो मुझे यहाँ पता लगा कि यहाँ पे जैसे एक डिवाइन नॉलेज दी जाती है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं। दो तरह की पढ़ाई होती है, एक लौकिक एक पारलौकिक। तो लौकिक पढ़ाई तो हमने की थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मन था वो सेटिस्फाइड नहीं था कि कुछ है, कुछ पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो फिर पता चला, फिर मैंने सिस्टर शिवानी जी को भी सुना। तो उसके बाद फिर जब 7 डे कोर्स किया तो उसमें पता लगा कि 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान माना डिवाइन नॉलेज, योग माना मेडिटेशन, धारणा माना डिवाइन वर्चूस जो इनकल्केट करने हैं हमने, उसके बाद सेवा, सर्विस, सर्विस फॉर द सेल्फ, सर्विस फॉर द नेशन। तो व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड विल चेंज। तो जैसे जैसे मैं आश्रम जाती रही तो मुझ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने लगी। जैसे कि पहले कोई बात हुआ करती थी, कोई सरगमस्टांस ऐसे हुआ करते थे तो मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता था। तो अब जब मैंने दीदी शिवानी दीदी को सुना कि स्टॉप चेक एंड चेंज, मना क्विक रिएक्शन देने से ना परिस्थिति जो है वो और भी, मतलब उसको सुधरने में, परिस्थिति को सुधारने में कुछ मार्जिन नहीं रहता। तो फिर मैंने ये ट्रायल किया, मैंने कोई कुछ भी परिस्थिति आती है तो पहले मैं कुछ पेशेंस रख के कुछ टाइम सोचती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो परिस्थिति अपने आप चेंज हो जाती है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया मेरे में, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ में। और उसके बाद जैसे कि अपनी लाइफ में मुझे और क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली कि मैंने जो मेरा लाइफ का पर्पस था कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, कुछ करना है, तो जैसे मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आई तो मैं औरों के लिए क्या कर सकती हूँ, ना सिर्फ अपने लिए लेकिन इन्वायरमेंट के लिए, फॉर द नेशन हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने और यहाँ पे ये सीखा प्योरिटी, जैसे शिवानी दीदी ने बताया, ये तो हमने सुना था कि जैसा हो अन्न वैसा हो मन, जैसे हो पानी वैसी हो वाणी, लेकिन धन की भी शुद्धि, माना धन भी प्योर होना चाहिए। तो ये मुझे बात बहुत टच की कि जो धन आप कमाते हो वो किस भावना से आपके घर में आया है, जैसा वो धन आप लेके आओगे उस धन से अन्न खरीदोगे और वो अन्न आपके मेंबर फैमिली मेंबर्स खाएंगे, उनकी मनस्थिति पे क्या असर होगा। तो इट वाज हार्ट टचिंग, जो बात मैंने कभी नहीं सोची थी कि धन का भी जो है हमारी हेल्थ पे असर हो सकता है। तो प्योरिटी, ब्रह्मा कुमारी की जो एक बात मुझे बहुत ही टच की वो तो प्योरिटी। यहाँ पे मुझे फैमिली जैसा ब्राह्मण परिवार जो है यहाँ का, जो वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली का कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बहुत ही हार्ट टचिंग हुआ। तो मुझे इतना प्यार मिला इस परिवार से। जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज 2 ईयर ओल्ड, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, दैट वाज अ मिसिंग पार्ट इन माय लाइफ। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने भगवान से रिश्ता जोड़ा, उसको मैंने एज ए फादर एक्सेप्ट किया और कहा कि अगर सच में, अगर मैं कहती हूँ तुम मात पिता हम बारक तेरे, तो अब तुम्हें एज ए फादर मेरे लाइफ में रोल प्ले करना होगा। और सच मानिए, मैं एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि उसने एज ए फादर अपना एक एक रोल निभाया। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो रोटरी क्लब, जलवाइंस क्लब के मेंबर जो थे वो मेरी फ़ीस पे किया करते थे। तो मैंने सोचा कि स्कूल की फीस तो कम होती है, चलो कैसे तैसे करके हो गया, अब मैं कॉलेज लाइफ में कैसे पढ़ूंगी। तो फिर ऐसा उस परमात्मा ने, जो कहते हैं विधि का विधान हुआ, तो मेरे ब्रदर को भगवान ने सेट किया, उसको फॉरेन भेजा
ये भगवान का कमाल था। तो फिर वहाँ पे उसने जाके मेरी एजुकेशन का सारा किया, उसने मुझे एमकॉम करवाई, उसने मुझे बीएड करवाई, फिर उसके बाद मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। और आज मेरा पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि आई वांट टू बिकम द राइट हैंड ऑफ गॉड एंड आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। थैंक यू सो मच। यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि इट्स राइट टाइम टू वेक अप एंड टेक चार्ज ऑफ लाइफ। जब हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। कहते हैं ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो यो मैं मुझे भी वो एक बिल्कुल राइट टाइम था जब मैं यूथ थी, जब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी, कोई ऐसा जो मुझे गाइड कर सके कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनूँ, अपनी लाइफ का पर्पस क्या है। तब जा कर के मुझे ये भगवान की जो परमात्मा के महावाक्य जिसने मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई। हम सब ने सुना है कि हम सब की लाइफ में हम सोशल लाइफ पर फोकस करते हैं, हम फिज़िकल अपने फिज़िक्स पे बहुत कॉन्शियस हैं, बॉडी कॉन्शियस हैं बहुत, और उसके अलावा हम सोसाइटी में भी जो हमारा है बड़ा कॉन्शियस हैं हम कि कैसे हमारा स्टेटस होना चाहिए। लेकिन भगवान ने हमें समझाया है कि बच्चे जैसे एक मेज है ना, ये जैसे ये कुर्सी है, ये चार पहियों पे खड़ी है, तो यहाँ पे सोशल लाइफ भी ज़रूरी है, फिज़िकल लाइफ भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ वो भी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल डिमेंशन जो है वो मिसिंग है हमारी लाइफ में। जब हम उसको इनकलकेट कर लेंगे, उसको हम अपने साथ लेके चलेंगे, तो फिर हम यूथ जो है वो इस भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। हम सब मिलके, हम सब भगवान के बच्चे, इस वक्त भगवान को हम सब की, यूथ की, हम सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम इस विश्व को बहुत खूबसूरत बना सकें। जैसे मेरे भैया हैं, मुझे उन पर प्राउड फील होता है कि ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे लगता है कि ये मतलब हर किसी को ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने जैसे जो मेरे ड्रीम थे वो उन ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए मुझे हर वक्त सपोर्ट की। तो मैं आज उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ और यही कहती हूँ कि यूथ जो है वो हमने इस एक ग्लोबल लीडर बनके आगे बढ़ना है और इस विश्व को खूबसूरत बनाना है।